2024 80 में से 80 उत्तर प्रदेश से देश में 300 पार भाजपा की और 400 पार एनडीए सीटें रहेंगी। तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। किस तरह से आप सरकार को देखते? देखिए, ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, अभी इस प्रकार के बहुत सारे पक्ष की ओर से पिटारे से मटेरियल निकले, लेकिन अगर ये सब पिछड़ों के हितैषी होते, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितैषी होते, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि जब ये सत्ता में थे तो कुछ इनके लिए करते। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। देश के अंदर 12.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया। देश के अंदर 52 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन के खाते खोलने का काम किया। 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया। पीएम स्वनिधि केवल अकेले प्रयागराज में लगभग 50,000 लोगों को केवल मोदी जी की गारंटी पर आधार कार्ड के आधार पर बैंकों से लोन मिला है। छोटी छोटी अपनी दुकानें चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे नए महापौर बने गणेश केसरवाणी जी की अगुवाई में 1 लाख नए वेंडिंग जोन के बना करके दुकानें बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ गरीब कल्याण की हमारी सरकार काम कर रही है, उन लोगों ने काम नहीं किया इसलिए बातें कर रहे हैं, सिगुफे छोड़ रहे हैं, फर्जीगिरी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा ने किया था, भाजपा कर रही है, भाजपा करेगी मोदी जी के नेतृत्व में। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।